हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे क्यूट गर्ल से क्या चैनल। तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक इन एडवांस, पर आपको तो ईद के बाद मिल रहा होगा। तो एज इट इज़ कुर्बानी ईद, तो अभी जो कुर्बान करने के लिए जो गाय है वो हमने खरीद चुके हैं, तो वो आज आ चुका है। तो चलो आपको दिखाते हैं, हम भी अभी देखेंगे, हमने नहीं देखा, तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का कुर्बानी ईद के लिए जो गाय था, ये रहा। तो आप लोग देख सकते हो ये कितना प्यारा नहीं लग रहा था मेरे को, ये पहले देख के ही इतना मेरे को क्यूट लगा। अच्छा, तो हम लोगों ने ये कुर्बानी ईद के तीन दिन पहले लिया था, मैं थोड़ा भूल गई। ओके, कोई नहीं, ऐसे लिया। एंड देन फिर उसी दिन हम लोग गए ईद के शॉपिंग के लिए। एंड यू नो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड मैं मुझ जैसे इंसान को देखा जो एग्ज़ाम को, आई वाज लाइक एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे पर ईद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो, और ईद के कपड़े तो और भी ज़्यादा। तो फिर एग्ज़ाम मेरे नेक्स्ट डे में थे, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम था, मेरे को कुछ आता भी नहीं था। स्टिल आई वाज लाइक, हाँ, मेरे घर में सबको पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, फिर बस मेरे को पता है कि मेरा प्रिपरेशन कितना है कितना नहीं, मेरे को खुद नहीं पता मेरा जो सिलेबस। स्टिल मैं कपड़े लेने गई, ओके, फिर भी मेरा एग्ज़ाम हम अच्छा खासा गया भी, रिजल्ट या दुआ करना अच्छा हो जाए रिजल्ट, फिर देखो बाकी। सो यू गाइस वुड थिंक दैट मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी शोरूम के अंदर हूँ फर्नीचर के एक्चुअली, क्योंकि इस ब्लॉग में हम अपने घर की कुछ फर्नीचर्स लेंगे। अभी क्या लेंगे, कैसे होंगे, वो इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे कैसे फर्नीचर खरीदने वाले हैं, तो चलो आप लोग भी देखिए, हम लोग भी खरीदते हैं। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। वी आर इनसाइड, लेट मी जस्ट शो यू, वो रहे मम्मी पापा और भैया, चलो उधर चलते हैं। ओके, अभी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ से वहाँ क्या हो रहा है। तो एक्चुअली उस रात को जिस दिन गाय लिया था उसी रात को हम लोगों ने ईद का शॉपिंग डन हो चुका था सबका कपड़ा, क्योंकि यू नो कुर्बानी ईद में उतना कुछ कोई ख़रीदता नहीं है, बस एक ही दिन में सबने देखा और पसंद आ गया। एंड उसके नेक्स्ट डे में ही स्कूल से आने के बाद, एग्ज़ाम के बाद हम लोग गए फर्नीचर ख़रीदने, क्योंकि घर में काफ़ी सारे फर्नीचर ख़रीदने थे। तो क्या क्या ख़रीदना था वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, ख़रीदे हैं हम लोगों ने, बस इस ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि फर्नीचर ख़रीदने गए थे। एंड यू नो आई थॉट कि मैं ये जो भी ब्लॉग है यहाँ पे, यू नो मैंने तीन ब्लॉग को कंबाइन करके एक ब्लॉग बनाया, आई थॉट कि सेपरेटली डाल दूँ, बट एज़ मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने फिर और यू नो समय नहीं मिला इन सब छोड़ने का। वैसे भी मैं घर में भी नहीं थी फ्री टाइम में, और बाकी तो एग्ज़ाम टाइम में कौन ही फ्री रहता है, पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है यू नो। उसके बाद अभी जाके फ्री हुई हूँ, फिर यू नो मोबाइल में ये क्या बोलते हैं स्टोरेज, उसका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, लाइक एक वीडियो करने से एक वीडियो काटना पड़ता है, इतना ज़्यादा वीडियोज़ हो चुका है, तो इस वजह से भी एक और प्रॉब्लम हो गया, तो व्लॉग डालने में डिले और भी ज़्यादा हो गया, सॉरी फॉर दैट। इसलिए थोड़ा बहुत व्लॉग्स को हम लोगों ने एक साथ कंबाइन कर लिया एंड तब जाके ये एक व्लॉग मिला। तो दिखा इतना मेहनत कर रही हूँ मैं व्लॉग में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो मेरे थोड़े बहुत मेहनतों के लिए। ओके, सो ज़्यादा बकवास हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग फर्नीचर खरीदने आए हैं और ये मैं अपना थोपड़ा दिखा रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ बताना। ओके, फिर यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर हमारे पूरे घर के, ऐसा नहीं कि एक दो फर्नीचर, काफ़ी सारे फर्नीचर्स लेने थे हमारे पूरे घर के लिए। सो क्या क्या लेंगे, हाँ, मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली, मेरे को फिर वहाँ जाके पता चला कि अच्छा यहाँ पे इतने सारे फर्नीचर लेंगे। तो मैं नहीं बताने वाली कि हम लोग क्या क्या खरीदेंगे, वो आपको इस ब्लॉग में नहीं मिलेगा बट फ्यूचर के ब्लॉग्स में ज़रूर मिलेगा। ओके, बाकी इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या नहीं, मतलब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को खुद नहीं पता। ओके, यहाँ पे मैट्रेस चेक कर रहे थे बेड के लिए, तो चलो अभी ये मैट्रेस काफ़ी ज़्यादा ही मुलायम और मज़ेदार था। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के हर जगह में कोई फर्नीचर सब चॉइस कर रहे थे यहाँ के वहाँ के देख के, तो यू ने मेरे नखरे थोड़े ज़्यादा होते हैं, मैं हर पूरा इस पूरे शोरूम में मैं घूमी और फिर मैं देखा, और मेरा मुंह आपको दिख रहा है उतरा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा डांट खाया था क्योंकि मैं ज़्यादा नखरा दिखाती। ओके, कोई नहीं, फिर डांट खाने के बाद मेरा नखरा चला गया। फिर यहाँ पे मेरे को इतना नींद आ रहा था, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, मैं रात को सोई भी नहीं क्योंकि यू नो उससे पहले रात मैं कपड़े ख़रीदने गई और मेरे पास पढ़ने का समय मिला ही नहीं, तो सब कुछ मिक्स हो गया। कोई नहीं, उसके बाद ये देखो यहाँ पे शायद आई गेस फाइनली डन हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे नहीं हुआ, नहीं, यहाँ पे एक सेशन से, मतलब हर एक फ्लोर से हम लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, तो एक फ्लोर का काम ख़त्म, फिर दूसरे फ्लोर में आए एंड यहाँ पे भी हम लोग सामान देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो कितने
इधर कप्स भी है काफ़ी, लाइक दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद हम लोग इस शोरूम में आए, तो काफ़ी चीज़ें यू नो चेंज हुई है। एंड ये जब भी आते हैं तो ये हमेशा परफेक्ट लगता है, एंड हर एक चीज़ देख के मन करता है कि ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले, क्योंकि सब चीज़ें इतना लाइक प्यारा होता है। बट यू नो हम इनका रेट भी उतने ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, बट कोई नहीं मेरा गला ख़राब हो जाएगा, नॉन स्टॉप मैं कैसे बोलती हूँ, बट आदत है, आप लोग के साथ नहीं बोलूँगी और आप लोग के साथ इतना बात नहीं करूँगी तो मैं किससे करूँगी, यू नो। ओके तो देखो मेरे इतने सारे बकबक सुन रहे हो, तो साथ ही साथ लाइक भी कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाकी देखते रहो ब्लॉग को। तो यहाँ पे हम लोग एज काफ़ी देर से थे तो सबको प्यास लगी थी, तो फिर यहाँ पे हमको माजा पिलाया गया, उससे पहले हम लोग को एक बार कॉफ़ी भी पिलाया गया था जो ब्लॉग में देखा होगा, पर मैं बोल रही थी कंटिन्यूस तो उनको भूल गई कि मेरे को वो भी बोलना था। और फिर ये जो ड्रेसिंग दिख रहा है ना, वो सेम ड्रेसिंग हमारे बेडरूम में भी है, आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा ही होगा तो देख सकते हो, काफ़ी पहले ख़रीदा था एंड स्टिल सेम टू सेम यहाँ पे है, लाइक ये तो आता ही रहता है हर साल इनके यहाँ पे सेम पीसेस। एंड देन यहाँ पे फाइनली जो भी था चूज़ करना, सिलेक्ट करना फर्नीचर, वो सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। एंड देन फिर यहाँ से सब लोग थक चुके थे तो रात को फिर भूख भी लगी सबको, तो सब लोग गए डोमिनोज़ में, एंड पिज़्ज़ा मेरी मम्मी का फेवरेट है, तो यू नो सबसे पहले तो हमारी मम्मी की हुकुम सर आँखों पर, तो मम्मी का फेवरेट पिज़्ज़ा तो सबको वही खाना पड़ेगा। बट आई एम यू नो मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा नखरे होते हैं तो मेरे को एक्चुअली पिज़्ज़ा खाना नहीं पसंद, मतलब पता नहीं क्यों, बस पिज़्ज़ा का नाम सुनते मेरा पेट भर जाता है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता पिज़्ज़ा खाने का। तो मैं तो एक साल से पिज़्ज़ा नहीं खाती, मतलब एक बाइट हाइस्ट या फिर दो बाइट, उससे ज़्यादा मुझसे होता है नहीं। उससे पहले मैं खा लेती थी, आई डोंट नो वाई, पर मेरे को नहीं पसंद है। तो मैं हमेशा हमेशा सब लोग पिज़्ज़ा खाते हैं और मैं हमेशा KFC ऑर्डर करती हूँ, तो यहाँ पे भैया से मैंने मेरा KFC ऑर्डर करवाया। एंड यू नो मैं पता नहीं मैं डोमिनोज़ का ये है बेइज्जती कैसे करती हूँ, लाइक डोमिनोज़ में बैठ के मैं KFC खाती हूँ, बट ये अब आदत हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखो, ये भैया का एक, मम्मी का एक, और दोनों माँ बेटे मिलके अभी खाएंगे, मैं इनका देख रही हूँ। और मेरे को इनको खाना देख के भी मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा KFC आने वाला है, यू नो आई एम जस्ट एडिक्टेड विथ चिकन नॉट विथ पिज़्ज़ा, पहले थी पर अब नहीं पसंद। उन्होंने एक पिज़्ज़ा मंगवाया और एक पराठा मंगवाया था आई गेस, हाँ। तो आप लोग देखिए ये लोग खाते रहे खाते रहेंगे, एंड मैं इतना बोल रही हूँ पर स्टिल आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड, लाइक जितना मैं बोल रही हूँ उतना मेरे मुख के अंदर शब्द आ रहे हैं। ओके ये ना आदत है अब इतना बोलने का। एंड देन ये सी, ये रहा मेरा है KFC, तो चलो इसको भी खोल लिया जाए। तो मैं अकेली इंसान, बट स्टिल इसको मैंने अकेले नहीं खाया, यहाँ पे भी मैंने मिल बांट के खाया। मैंने बस अपने चिकन ही मंगवाए 5 पीस, एंड फिर वहाँ से 2 पीस दे दिया 2 लोगों को, और 3 पीस से मैंने शायद खाया 1 पीस, फिर 2 पीस पैक कर लिया क्योंकि मेरे को फिर खाने का मन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, पर मेरे को भूख नहीं लगा। तो स्टिल हम लोगों ने ऐसे यहाँ से खा पी लिया, रात भी हो चुकी थी काफ़ी, एंड देन घर जाके किसको खाना था इतना कुछ खाने के बाद, तो हम लोगों ने और शायद नहीं खाया, मैं भूल गई, मेरा याददाश्त कमज़ोर हो गया सीरियसली मैं भूल गई। ओके आप लोग ब्लॉग में देखो, मैं नॉन स्टॉप बोल रही इसलिए मुझे नहीं पता अब मैं क्या बोलूँ, और बट स्टिल देखो मैं कितने फुक्कड़ की तरह खा रही हूँ, इग्नोर। बाकी देखो आप लोग, मेरे पास और शब्द नहीं है, अभी बोल रही थी शब्द पर अभी नहीं है शब्द, कुछ ज़्यादा ही नहीं बकबक करती मैं, स्टिल मज़ा नहीं आ रहा मेरे बकबक सुन के। आई नो मज़ा आ रहा होगा, और नहीं भी आया तो क्या, सुनना पड़ेगा मेरा बकबक, डोंट स्किप, मैं बोलती रहूँगी। ओके मैं थक गई, देखो फाइनली घर पहुंच चुके थे, जो काफ़ी रात हो चुकी थी, लाइक पूरा दिन तो वहाँ पे चला गया हम लोग का, और यू नो मेरे को रेस्ट का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। पहली रात मैं नहीं सोई, एग्ज़ाम था और फिर घर पे नहीं थी। अभी दूसरे रात को देखो, रात को ही आए, पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, पूरा थक चुकी थी, एंड फिर आके मैं सो गया, आई वाज लाइक जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम, एंड मैं देख के आई, फिर घर आके देखा कि घर का तो पूरा हुलिया ही बदल चुका है। तो मेरे को आप इग्नोर करो, घर को मैं दिखाती हूँ कि घर का क्या हाल है, क्या हुआ देखोगे, और फिर आपको पता चलेगा कि रीज़न ऐसा क्यों है। तो चलो देख लो, लुकी इज
मेन कैरेक्टर, वो अपने आप को समझता है हमेशा, लाइक जस्ट सी ओके, इसके लिए लाइक करता है ना लोग, ये नवाब बन के इधर व्यू देख रहा है और अपन अभी भी यूनिफॉर्म में है। मैं बहुत आलसिया हूँ, मेरे को यूनिफॉर्म खोलते खोलते कितना साल लगेगा पता नहीं। चलो इधर आते हैं, तो इस रूम में यू कैन जस्ट सी यहाँ का सामान ये रहा, और ये देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, पूरा घर का सब जितना भी बर्तन था वो इस रूम में है, और भैया के रूम में तो घुसने का जगह ही नहीं, मैं कैसे दिखाऊँ। सबसे पहले इस रूम में दिखाते हैं, ये एम्प्टी हो चुका है पूरा। आई आई आई, रुको रुको, अच्छा चलो इस कोने से दिखाते हैं। सो बेसिकली ये अलमीरा यहाँ से यहाँ कहाँ कहाँ लेके आ गए, अभी ये बीच में अटक गया है, तो इसको अभी इधर से पता नहीं कहाँ लाएंगे, तो पता नहीं, आप देखिए, मैं भी आप लोग के साथ कन्फ्यूज्ड हूँ। देखो बाहर में भी काफ़ी कुछ छोटे मोटे बड़े जो भी थे वो सामान है, और वो रहा हमारा गाय। ओके चलो, अभी मैं गर्मी से पूरा लथपथ हो चुकी हूँ, ये देखो ये रही मैं, लाइक कर दो लाइक कर दो। चलो अभी हम लुकी को कंपनी देंगे, क्योंकि वो बेचारा अकेले अकेले ही व्यू वो इन्जॉय कर रहा है ना लुकी। और अभी बज रहे हैं 12:20 में हुआ मतलब हो जाएगा, और भैया अभी भी कॉलेज में है तो उसको आने देते हैं ना लुकी। चल इधर तू थोड़ा बात कर, तो म्याओ सुनना था इनको, बोलना लुकी म्याओ म्याओ म्याओ, लुकी के बच्चे म्याओ 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 म्याओ। मेरे को इसको इरिटेट करना इतना पसंद होता है, तो ये मेरे को इतना मारता है। लुकी बट आई ट्रस्ट हिम, तू मैं ट्रस्ट हिम मत तोड़, देख समझ रहा है ना मेरी बात। आओ छोड़ो इसको, छोड़ो इसने मेरे हाथ का कहीं नहीं। ओके आप ब्लॉग को देखिए, और ये देखो यहाँ पे भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो बेड में था, क्योंकि पूरा घर का हाल बेहाल हो चुका है एज आई सेड, क्योंकि पता नहीं अभी ब्लॉग में पता चलेगा आपको कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो स्टे ट्यून्ड। ओके आई नो बट आई वॉन्ट टेल यू, यू हैव टू सी द ब्लॉग, नॉट इन दिस ब्लॉग, फ्यूचर में, ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये छोटा मोटा सा ब्लॉग है। एंड एज़ यू कैन सी, मैं एग्ज़ाम दे के आके मैंने पूरा घर का हाल बेहाल देखा, फिर क्या थोड़ा सा हाथ बटाया, मतलब बहुत थोड़ा, अपने ही सामान को मैं इसमें भर रही थी क्योंकि इसका भी जगह शिफ्ट करना था। तो आप लोग देखिए एंड फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 1:35, लाइक लिटरली नहीं 35:40, एंड अभी भी मेरी यूनिफॉर्म में मैं गर्मी से मर रही हूँ, पर ना मेरे को नहाने दिया जा रहा है, ना मेरे को बैठने दिया जा रहा है, ना खड़े रहने दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि घर पूरा हालत बेहाल, अगर मैं अभी नहाई तो मैं लगूंगी नहीं कि मैंने नहाया, क्योंकि यू नो इतना डस्ट है सारी, और बाहर का वेदर मस्त, अभी सोच रही थी बाहर चल जाए, मैं यूनिफॉर्म मैं नहीं खोल रही, चेंज ही नहीं कर रही, एक महीने बाद पहनना है राइट, तो अभी इसका कुछ भी कबाड़ा हो जाए कि इसको क्या घंटा फर्क पड़ता है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें इधर से उधर चले गए, मैंने वीडियो नहीं किया, मतलब मोबाइल इस रूम में था और उस दरवाजे से लेके जा रहे थे, तो मैं अगर पीछे में आती तो मैं पिचक जाती। ओके सो आप लोग देखिए वीडियो को लाइक कर दो। ओके हमारा ड्रेसिंग पुराना वाला जो यहाँ से यहाँ आया, पर ये अभी इधर नहीं रहेगा, यहाँ से भी जाएगा। एंड यू कैन सी द थिंग्स जो ड्रेसिंग के अंदर, अलमारी के अंदर, और काफ़ी कहीं कहीं जगह में थे, यहाँ पे बर्तन कुछ और कुछ। ओके लेट्स गो, ये रूम जैसा था वैसा ही है हम लोग का। और ये देखो यहाँ पे भी कुछ सामानों को शिफ्ट किया जा रहा था। बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे ना कि मैं अचानक से इस टाइप का ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, घर बदल रहा था बदल नहीं था राइट, बट लाइक मेरा यूट्यूब चैनल का इस साल हो जाएगा 4 ईयर्स और 3 ईयर्स, ऐसा फोर ईयर्स होगा, एंड आई डेंट सॉ यू माई होम टूर राइट, तो फिर अभी जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब आपको सरप्राइज़ मिलेगा। ओके मतलब मैंने बोल दिया है तो सरप्राइज़ रहा नहीं, पर देखना इज़ लाइक अलग है, मेरे को खुद भी नहीं पता ये पर्दा क्यों बीच में आ रहा है मेरे, और बाहर इतना ठंडी हवा है, देखो कितना अच्छा ठंडा ठंडा सा हवा है। 2 बजे जितने देर स्कूल में थी उतने देर गर्मी थी, अभी स्कूल में नहीं हूँ, अभी देखो हवा ही हवा। चलो अपन का क्या, मैं तो यूनिफॉर्म में ही कब से घूम रही हूँ, मंडरा रही हूँ, भैया अभी भी कॉलेज से नहीं आया है। एंड हमारा लुकी किधर गया, वेयर इज माय लुकी, पक्का इस कोने में। हाय थिंग आई लव टू डू इज इसको सताना, लुकी इधर देख, ये डर गया। कोई नहीं छोड़ो इसको सोने देते हैं।
फिर यहाँ पे देखो अभी तक काम करना चालू था एंड किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, नहाया भी नहीं किसी ने, और भैया भी देखो कॉलेज से आ चुका है। एंड आफ्टर दैट ये देखो बाहर भी शाम हो चुका था, और फिर ये देखो ये रहा, हम लोगों ने फिर लंच किया, बट लंच किया लंच के वक्त नहीं, लाइक टाइम शायद 5:30 या 6 बज रहे थे, तब हम सब लोगों ने नहाया, फ्रेश हुए एंड देन हम लोगों ने खाना खाया। तो यहाँ पे देखो अभी खाना भी बनाने का यू नो टाइम कहा था और जगह भी कहा ही थी, लाइक सारा दिन तो काम था तो फिर बाहर से मंगवा के खाया, एंड ये एक बेनिफिट था हमारे लिए, अच्छा खासा खाना मिल गया बाहर का। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे अभी हम सब लोगों ने फ्रेश हो चुके, नहा लिया था, और जो भी पुराने फर्नीचर थे वो सब कुछ सेट कर लिया सब ने मिल के। मैं तो बस सेट के नाम पे थोड़े बहुत ही काम कर रही थी, या फिर यू कैन से नहीं कर रही थी। तो फिर यहाँ पे देखो ये रहा नेक्स्ट डे, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 6 शाम के, यस, एंड हम में से हमारे घर में भी किसी ने भी नहाया नहीं। द रीज़न इज़ घर का मैं हालत आपको दिखाती हूँ क्या है, क्योंकि अगर अभी हम नहाएंगे तो फिर से हम यू नो गंदे हो जाएंगे, तो इस वजह से लेट मी शो यू कैसा है पूरा घर का हाल बेहाल है यार। आप सभी को मेरी तरफ से ईद अल अधा मुबारक हो। तो इट्स नाउ 12:10, तो बस अभी मैं अपना सुबह से, आप लोगों ने शायद मेरा थोपड़ा अभी देखा होगा, लाइक सुबह से मैं बहुत काम कर रही थी, मेरा जो वार्डरोब था उसको मैंने ठीक किया, देन मेरा जो ड्रेसिंग था उसको ठीक किया, तो वो छोड़ो अभी वो सब फ़िलहाल ख़त्म हुआ, होने का बस 20 मिनट हुआ है। मैं सुबह से काम कर रही थी, अब जाके बस रेस्ट मिला है, बट रेस्ट नहीं मिला बिकॉज माई हैंड्स आर एम्प्टी। एंड डू यू थिंक कि मेरा ईद बिना हाथ के मेहंदी के जाएगा? नेवर। सो जस्ट लाइक हेयर इज़ द पैकेट, और अभी हेयर इज़ माई हैंड, एंड ये रहा मोबाइल। तो अभी अपन लगाएंगे मेहंदी, एंड मेहंदी लगाने के बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी 12 बज रहे, पता नहीं लगाते लगाते कितना बजेगा, फिर मैं सोऊंगी कब, और मैं नींद, मुझे इतना नींद आ रहा है। मैं सुबह उठी थी कितने बजे भूल गई, पर मेरे को अभी बहुत नींद आ रहा है, लाइक मेरे आँखों में देखो नींद दिख रहा है ना आप लोग को। कोई नहीं, मेहंदी लगाना। मैं चाहे कितना भी क्यों ना थक जाओ, बट स्टिल ईद का मेहंदी तो मैं कभी भी नहीं भूलने वाली। तो मैंने ईद का मेहंदी लगाया, फिर मम्मी को लगा के दिया, और फिर रात के 2:30 बज चुके थे, तो फिर मैं 2:30 बजे सोई, पूरा थक गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे ईद था, तो ईद के ब्लॉग में आपको बाकी सब मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।